पूर्वी मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति अपनी गोंडी चित्रकला के लिए जानी जाती है और इस चित्रकला में हमें दो प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं, एक नोह डोरा और दूसरा ढिगना। ये चित्र रंगों को बहुत महत्व देते हैं। यह किसी भी समय पर्व, उत्सव, त्यौहार या किसी भी पारिवारिक घटना के समय बनाए जाते हैं और यदि यह चित्र दीवार पर बनाए गए हैं तो इन्हें नोह डोरा कहते हैं और अगर यह भूमि अलंकरण के रूप में बनाए गए हैं तो इन्हें ढिगना कहते हैं। नोह डोरा में कई रंगों का प्रयोग होता है जबकि ढिगना में 2 से 3 रंगों का ही प्रयोग होता है। मध्य प्रदेश की अन्य किसी चित्रकला के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा।